संस्थान लगातार 8 दशकों से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण के लिए नहीं। इस संस्थान ने व्यक्ति के जीवन के अंदर एक आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक चेतना, सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के अंदर आंतरिक ऊर्जा का एक प्रभाव पैदा किया। मुझे बहुत नजदीक से इन संस्थान की गतिविधियां, कार्यक्रम और किस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति निर्माण में संस्था केवल इस भारत में नहीं पूरे विश्व के अधिकतम देशों के अंदर इस संस्थान ने एक सकारात्मक परिवर्तन विश्व के अंदर मानव समाज में किया है। और मुझे खुशी है कि राजयोग द्वारा इस परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव आज भारत में भी नजर आ रहे हैं, दुनिया में भी नजर आ रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगा, सकारात्मक चिंतन रहेगा, तो उसके जीवन में हर आने वाली चुनौतियों का वह सकारात्मक दृष्टि से उसका समाधान करने का कार्य करेगा। और इसीलिए जितना आप राजयोग, ध्यान योग, आध्यात्मिक योग इन सब को करेंगे तो एक सामूहिक शक्ति से नए विचार उत्पन्न होंगे, नई ऊर्जा मिलेगी, कार्य करने में सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन में शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह मिलेगी। सकारात्मक वर्ष के अंदर इस संकल्प के साथ कि मानव जीवन के अंदर हम आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति, राजयोग के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में शांति और शांति के माध्यम से नए मार्ग का प्रशस्त करने का काम करें।